हेलो क्लास, आज जो हमें प्रॉब्लम दी गई वो एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि 222 की पावर 333 बड़ा है या फिर 333 की पावर 202 बड़ा है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेस को इक्वल करना चाहेंगे हम, ठीक ना। तो बेस को इक्वल कैसे कर सकते हैं, लिखा है 222, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 111 लिख सकते हैं। इस पूरे पावर क्या आएगा, 333। इतना क्लियर ना। सेम यहाँ पे भी चेंज करें तो क्या आएगा, 3 × 111 की पावर क्या, 222। इतना क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा a × b की पावर क्या, n। तो हमें पता अगर a × b की पावर अगर n या m कुछ भी लिखा है तो ये पावर होती है ना, ये दोनों को मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे ये पावर भी इसको मिलेगी और इसको मिलेगी, सेम ये पावर इसको और इसको मिलेगी। तो हमारा क्या फॉर्म मिलेगा, 2 × 333 × 111 की पावर क्या, 333, ठीक। सेम यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगा, 222 × 111 की पावर क्या, 222। इतना क्लियर ना। अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ये लिखा और यहाँ पे ये लिखा है। अब यहाँ पे देखिए बेस तो इक्वल हो गया, लेकिन अब ये पावर भी अभी डिफरेंट है, लेकिन पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। कैसे, ये लिखा है 333, इसे हम लिख सकते हैं 111 + 222 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यही आएगा। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक ना। कैसे लिख सकते हैं, 111 की पावर क्या लिखेंगे, 111 + 222। इतना क्लियर ना। यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 222 × 111 × 222, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 × 333 और मल्टीप्लाई लगा लेंगे। इतना क्लियर। अब देखिए अगर किसी बेस की पावर में, ठीक ना, कोई दो नंबर हो वो दोनों प्लस में हो, जैसे a की पावर m प्लस n ऐसा लिखा होता तो हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक ना। तो सेम हम इस कंडीशन में भी उस चीज को अप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 × 333 × 111 आएगा 111 की पावर 111, यहाँ पे आएगा 111 की पावर क्या, 222। इतना क्लियर। यहाँ पे ये नंबर भी सेम रहेंगे तो क्या आएगा, 3 × 222 × 111 × 222। इतना क्लियर ना। अब आप नोटिस करेंगे कि ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या हो गया, इक्वल। तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, अब हमको कंपेयर करना है इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक। अब इसको भी बना लेते थोड़ा अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 × 333 लिखा है ना, तो इसे लिख सकते क्या, 2 × 3 × 111, ठीक। देखिए 2 × 3 × 111 लिखे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक ना। फिर मल्टीप्लाई क्या है, 111 × 111 × 222। सेम यहाँ पे लिखा है ना, इसे लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 इस पावर की पावर क्या, 111 लिख सकते हैं ना। देखिए 3 × 2 को अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही फॉर्म मिलेगा, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 111 × 222। इतना क्लियर। अब देखिए 2 × 3 कितना होता है, 8, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 8 × 111 × 111 × 111 × 222। सेम 3 × 2 कितना होगा, 9, इस पूरी पावर का 111 × 111 × 222। इतना क्लियर ना। अब नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये बेस और ये बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या सेम। हमें पता है अगर बेस से बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होते तो बेस मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 888। अगर 8 इससे मल्टीप्लाई करेगा 111 से तो 888 आएगा, इस पूरी पावर क्या आएगी, 111 × 111 की पावर 222। यहाँ पे 9 × 111 × 111 की पावर 222। इतना क्लियर। अब नोटिस करेंगे ये हिस्सा आपका सेम सेम आ गया पूरी तरह से, ठीक। यहाँ पे आप कंपेयर करें तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है बेस क्या 888 और यहाँ बेस क्या लिखा है 9, और दोनों की पावर भी सेम हो गई है। तो बस बेस से कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कौन बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि 888 जो होगा वो 9 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो पता 888 जो होगा ग्रेटर होगा किससे, 9 से। और ये 888 किससे आया, इससे आया ना, इसका मतलब 222 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 222 की पावर क्या, 333 ग्रेटर होगा किससे, 333 की पावर 222 से। और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेगा। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।